मैं योगेश त्यागी एडवोकेट, मेरे जो नज़रिया है कि अब तक राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो हमेशा रोहित बोरा जी रहे हैं, और मैंने ये पर्सनल महसूस भी किया और देखा भी है कि उनका जो हस्तक्षेप रहा है वो हर विभाग में रहा है, और उनका हस्तक्षेप शिक्षा विभाग में, जैसे यहाँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है उसमें भी उनका काफ़ी हस्तक्षेप रहा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ राजनीति अगर युवाओं शिक्षा विभाग शिक्षा जैसे पेशे के साथ उसमें भी हस्तक्षेप अगर करती है तो युवाओं को जो है सही न्याय नहीं होगा युवाओं के साथ, उन्हें उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। तो इस बार ये मौका है, हमारे पास बेहतरीन मौका भी है कि निर्जा शर्मा जी वहाँ से खड़े हुए हैं, और हर युवा यही चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एक ही राजवंश की जो राजनीति अब तक चली आ रही है, हर कोई चाहता है कि वो कैसे भी करके नया कैंडिडेट सामने आए, तो ये सहानुभूति भी रहेगी। और रहा राजस्थान सरकार के बारे में, तो आम इंसान की जो ज़रूरतें होती है, जो आवश्यक जो बेसिक जो नीड है, जैसे कि भोजन का और स्वास्थ्य का, ये गहलोत साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार की देने की जो हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ वगैरह वितरण जो फ्री हो रहा है, क्योंकि ये गरीब आदमी जो इनका प्राइवेट इलाज नहीं करवा पाता, उनकी बहुत अच्छी योजना रही गरीबों के लिए। और दूसरा कि कोई भूखा ना सोए, इसके लिए उन्होंने जो इंदिरा रसोई योजना चलाई 8 रुपये में, वो उनकी बेहतरीन योजना है। और आज और कोई व्यक्ति उनका ये सपना साकार, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। नहीं तो क्या उससे वापस आ सकते? हाँ, वापस आने के उनका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है गहलोत जी का कि सरकार आने से रोक सके, तो मेरे सुझाव से कांग्रेस द्वारा ही आएगी। देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं उतनी राय है। बताओ क्या हाल चाल है? जान धौलपुर से तो बसपा को माहौल, बसपा को माहौल धौलपुर से, धौलपुर सीट से। ओ भाई तमें तो महाराज कह रहे हैं राजा के राम है, तो जनता पार्टी बाहर भाजपा, तो यहाँ बसपा का क्या है अभी, किस वजह से? अरे महाराज क्यों जात हो हरानी ने कछु करो ही ना ने जो आदमी पलट कर। हाँ जी, ओके साहब बैठिए। मैं तो देखा था चार पांच लोग बैठे हुए, तो क्या आपका नाम क्या? दिलीप झा नाम है मेरा। झा जी है? हाँ दिलीप झा। कहाँ के रहने वाले? धौलपुर के ही है, मगर ये है कि लोग बाग बिहार के कहते हैं, वैसे हम धौलपुर से। लोग बाग क्या बिहार से कहेंगे, झा टाइटल ही बिहार की है, तो नहीं हम यही है धौलपुर के ही है। कितने आपके पहले पीढ़ी के लोग आए होंगे? हाँ पहले हमारे बाबा वगैरह आए थे, 100 साल हो गए यहाँ पे आने। अरे 100 हो जाए चाहे 1000 साल हो जाए जी, आए तो बिहार गए है? नहीं बिहार के नहीं है सर, धौलपुर के, तब मैं पूरे हमारा जन्म ही धौलपुर हुआ है हमारा। नहीं आपका जन्म हुआ लेकिन आपके पुरखे यही के थे, एमपी से आए थे, गोद से। अच्छा अच्छा, गोद से आए थे। वैसे बिहार का कहे जाने से कुछ दिक्कत लगती है? हमने देखा ही नहीं है, हमको देखी नहीं है बिहार कहाँ है, बिहार का नाम जरूर सुना है, बिहार देखा ही नहीं है। अरे कहीं मैं तो झा टाइटल से पूछ लिया, और लोग बिल्कुल सही है आपका। तो क्या है मामला धौलपुर का सर? धौलपुर में तो ये है कि साहब शोभा रानी 2 बार आ चुकी है, धौलपुर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई किसी से कोई संपर्क नहीं है, धौलपुर की स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर शिवचंद कुशवाहा धौलपुर का विकास हो। बीजेपी तो ये तो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी और कांग्रेस की फाइट है धौलपुर। हर आदमी का अलग अलग मत है, अलग अलग व्यू हैं सब, जो उस माहौल में चल रहे हैं, जो चर्चा आ रही हैं, हमारे पास तो हर तरह के क्लाइंट आते हैं, वो उनके व्यू के अनुसार उनके मत के अनुसार हम बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये राजस्थान में सरकार, राजस्थान सरकार बीजेपी की आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ परंपरा चली आई है, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, ये अल्ट पल्ट काफ़ी समय से चला रहा है। तो आप वकील किसके हैं? क्रिमिनल है, सिविल है, रेवेन्यू है, सब तरह का काम है सब ऑलराउंडर। एक बात बताइए, कुछ आरोप लोग लगाते हैं कि राजस्थान में अपराध में वृद्धि हुई है जी, तो केस भी आप लोगों का कुछ? नहीं केस तो आते हैं, मतलब वृद्धि तो मतलब ये है कि क्राइम तो है, मतलब ये है कि काफ़ी मतलब क्राइम पे कंट्रोल किया है पुलिस ने, और पहले की अपेक्षा कुछ कम है क्राइम। चलिए ठीक, आप तो रह गए, बताइए आपकी भी कुछ राय हो तो।
ये है कि अभी राजस्थान में मुझे ऐसा लग रहा है इस चुनाव में कि हंग असेंबली आएगी, बहुमत किसी को भी नहीं आएगा, ना इधर बात बीजेपी और नॉर कांग्रेस। कुछ सीटें का अंतर रह सकता है दोनों पार्टियों के बीच में। चुनाव एक तरफा तो नहीं है ना क्या है? नहीं, एक तरफा चुनाव नहीं है, कहीं भी नहीं है एक तरफा चुनाव। और वोटर अभी तो साइलेंट है, इस समय तो खुला नहीं है अभी। और जैसे धौलपुर है तो धौलपुर में तब्दीली हुई है कैंडिडेटों की, तो उस हिसाब से भी नहीं खुले हैं लोग वाग अभी। और मोस्टली जो है जनरली मतदाता का ये है कि अच्छा व्यक्ति कौन है उसको वोट देने की राय व्यक्त करते हैं लोग वाग उनसे बात। राजस्थान में सरकार का बताओ। राजस्थान में सरकार, मैंने कहा ना पिछले दिन आपसे अभी कि यहाँ ना इधर बीजेपी और नॉर कांग्रेस, बहुमत किसी का नहीं आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में भी आपस में रिफ्ट है और इधर बीजेपी में भी उन्होंने कोई सीएम का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया है, तो इस वजह से। और बागी उम्मीदवार भी काफ़ी हैं, 52 के करीब बागी उम्मीदवार हैं, वो दोनों ही पार्टियों को प्रभावित करेंगे। दोनों ही पार्टियों में हैं ऐसे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं कि वो जो है बीजेपी के कैंडिडेट्सों को भी हराएंगे और कांग्रेस वालों को भी हराएंगे। इस तरह से ये लगता है कि राजस्थान में हंग असेंबली आएगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या है ये मानने वालों की राजस्थान में कि हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी ने जो गठबंधन किया है वो, इसके अलावा कई सीटों पर, करीब 7-8 सीटों पर, जिसमें धौलपुर और भरतपुर की सीटें, जिलों की सीटें ज़्यादा है, 7-8 सीटों पर BSP अच्छा चुनाव लड़ रही है। BSP ने कांग्रेस के बागी या BJP के बागी को टिकट दिया है, वो मजबूत जनाधार वाले लोग हैं। तो एक बड़ा तबका राजस्थान की राजनीति को जानने वाला ये मानता है कि इस बार तीसरी शक्ति राजस्थान में भूमिका निभा सकती है। अब देखना ये होगा कि ये इन गठबंधन के लोग वोट ही काटते हैं या सीटें भी निकालते हैं। बहरहाल, मैं धौलपुर के कुछ और इलाकों की तरफ चलता हूँ।